नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को बैसाखी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं अपने तीन सेगमेंट्स के जरिए, जो कि हैं विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों सेगमेंट्स में होती हैं कुछ खास जानकारियां जो कि आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती हैं। अपने आज के कार्यक्रम के इस अंक में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मूंग की खेती के बारे में, मिलवाएंगे आपको प्रगतिशील महिला किसान नीलम वर्मा से, और अंत में बात होगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की। तो इन तमाम जानकारियों के साथ आइए शुरू करते हैं हमारा आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। किसान भाइयों बहनों, चना और अरहर के बाद मूंग हमारे देश की प्रमुख दलहनी फसलों में से एक है। कुल मूंग उत्पादन का 54% अकेले भारत में ही होता है। आपको बता दें कि 60 से 65 दिनों में तैयार होने वाली मूंग की ये फसल हमारे किसानों को काफ़ी पसंद आती है, और इसके साथ ही दूसरी दलहनी फसलों की तरह ये भी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने में मददगार साबित होती है। तो आइए जानते हैं कैसे करें मूंग की खेती। ये किसी भी मौसम में उगाई जा सकती है। उत्तर भारत में गर्मी और बरसात के दौरान उगाई जाती है, जबकि दक्षिण भारत में रबी के दौरान मूंग की 75% खेती खरीफ में होती है। अंतर फसली खेती के लिए भी ये एकदम उपयुक्त फसल है। दाल के अलावा कई तरह की मिठाइयाँ, पापड़ और बड़ी जैसे उत्पाद इससे बनाए जाते हैं। इसके अंकुरित दाने बेहद पौष्टिक और बीमार लोगों के लिए मुफीद होते हैं। इसे हरी खाद के रूप में भी बोया जाता है। मूंग में 25-28% प्रोटीन होता है, जो इंसानी शरीर के लिए बहुत लाभकारी है, और 62-65% कार्बोहाइड्रेट। कमाल की बात तो ये है कि मूंग जंगली पौधा है और इसे खेती का रूप भारतीयों ने ही दिया है। वैसे तो मूंग की फसल किसी भी तरह की मिट्टी में उग जाती है, लेकिन सबसे अच्छी दोमट मिट्टी मानी जाती है। क्षारीय, उसर और दलदली जमीन पर इसे नहीं बोना है। मिट्टी अगर अम्लीय है तो चूना देने से भरपूर उपज हासिल की जा सकती है। खेत तैयार करने के लिए 2-3 जुताई के बाद मिट्टी को अच्छी तरह भुरभुरा बना ले। गेहूं की कटाई के बाद समय कम हो तो सिर्फ सिंचाई करके भी मूंग बोई जा सकती है। बसंत के मौसम में मूंग को गन्ने के साथ भी अंतर्वर्ती फसल के तौर पर लगा सकते हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि ग्रीष्मकालीन मूंग की उपज बरसात में उगाई फसल से ज्यादा होती है। गर्मी के दौरान कीटों और बीमारियों का असर भी कम होता है। खेत तैयार करने के बाद अपने इलाके के हिसाब से किस्म का चुनाव करें, और ये भी देख लें कि जिस मौसम में आप बो रहे हैं वो उसके हिसाब से सही भी है या नहीं। ग्रीष्म काल में 60 से 70 दिनों में, जबकि बसंत में 80 से 90 दिनों में तैयार होने वाली किस्म लगानी है। खरीफ में पीला रतुआ से मुक्त किस्म चुनें और बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। खरीफ मूंग की बुआई जून के आखिरी हफ्ते से जुलाई के आखिरी हफ्ते तक होगी, जबकि ग्रीष्मकालीन मूंग को गेहूं कटाई के फौरन बाद बो सकते हैं। ग्रीष्मकाल में कतारों के बीच दूरी 33 सेंटीमीटर और पौध से पौध का फासला 8 सेंटीमीटर रखें, जबकि खरीफ में कतारों की दूरी 30 से 35 सेंटीमीटर और पौधों की 10 सेंटीमीटर होगी। एक हेक्टेयर खेत में 5 से 8 टन गोबर की खाद डालनी है। ये काम बुआई के एक महीने से लेकर 15 दिन पहले तक कर लें। इसके अलावा 20 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस, 20 किलो पोटाश, 20 किलो सल्फर की जरूरत होगी। खरीफ में बरसात की वजह से सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती, वरना पहली सिंचाई बोने के 20 से 25 दिन बाद करनी है, और उसके बाद हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर ग्रीष्मकालीन मूंग की सिंचाई होगी। 20 से 25 दिन के बाद निराई गुड़ाई कर खरपतवार निकाल देंगे। दूसरी निराई 35 से 40 दिन बाद करेंगे। कैटरपिलर कीट बढ़वार वाले हिस्से को खाना पसंद करता है। मिट्टी का सौरीकरण करके इस समस्या से बचा जा सकता है। इसके अलावा आप इंडोसल्फोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं लीफ होपर, एफिड, सफेद मक्खी जैसे कीट बढ़वार के दौरान नुकसान पहुंचाते हैं। इनसे बचाव के लिए डाइमेथोएट का इस्तेमाल करना होगा। मूंग में सफेद चूर्णी बीमारी भी लगती है। ये बीमारी फली बनने की संभावना को कम कर देती है। इससे छुटकारा पाने के लिए किसी भी सल्फर युक्त फफूंदनाशी दवा का छिड़काव करें। पत्तियों का पीला और फलियों का काला पड़ना मूंग के पकने की निशानी है।
ये फसल एक साथ नहीं पकती बल्कि धीरे धीरे तैयार होती है, इसलिए जैसे जैसे फलियां पकती रहे उन्हें तोड़कर एक जगह इकट्ठा करते रहे। इस तरह पूरी तुड़ाई में 2-3 हफ्तों का वक्त लग सकता है। पूरी तुड़ाई के बाद फलियों को खलिहान में सुखाएंगे और उन्हें पीट कर दाना निकाल लेंगे। फिर दानों को सुखाएंगे जब तक कि उनमें 10% नमी ना रह जाए। जिन बोरों में दाने भरे उन्हें भी भरने से पहले सुखा लें। अभी आपने देखा सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और मिलवाएंगे आपको आज की प्रगतिशील महिला किसान से। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसान भाइयों बहनों, जहां एक ओर हम ये सुनते हैं कि हमारी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर हमारे किसान कई तरह के ऐसे प्रयास कर रहे हैं जिससे कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को एक बार फिर से बढ़ाया जा सके। उनमें ही एक ऐसा विकल्प है जैविक खेती। जी हाँ, अब हमारे किसान भाई बहन
रासायनिक खेती को छोड़ जैविक खेती की ओर अपना रुख करने लगे हैं। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी ही प्रगतिशील महिला किसान नीलम वर्मा से, जो कि कर रही हैं जैविक खेती और दूसरे किसानों को भी जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। नीलम वर्मा पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन प्रकृति के करीब रहने के लिए इन्होंने खेती को चुना। नीलम लगभग 50 एकड़ में खेती करती हैं। उनके यहाँ होने वाली सब्जियाँ, फल और अनाज प्राकृतिक मिठास लिए होते हैं, और इन सब के साथ अपने वेलनेस फार्म के माध्यम से नीलम वर्मा समाज को स्वस्थ रखने में प्रयासरत हैं। नीलम वर्मा का जन्म सहारनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी शिक्षा दिल्ली में ही हुई है। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े होने के कारण वो हमेशा से मानव के स्वास्थ्य हित के बारे में सोचती रहती थी। यही कारण था कि वो आयुर्वेद से भी जुड़ी हुई थी। जब भी नीलम ट्रेन का सफर करती तो रास्ते में पड़ने वाले खेत उन्हें बहुत आकर्षित करते थे। उन्हें हरे भरे खेत देखना और मिट्टी की खुशबू बहुत पसंद आती थी। उनका सपना था कि वो भी अपने खेत में खेती कर सके। उनकी सोच से उनके पति भली भांति अवगत थे। उन्होंने हरियाणा के मानेसर में खेत ले लिए और फिर क्या था, नीलम वर्मा अपने सपनों में रंग भरने लगी। नीलम वर्मा के वेलनेस फार्म की अवधारणा आकार लेने लगी। उन्होंने 2 से 3 एकड़ में फूलों की खेती शुरू की ताकि वहाँ का माहौल खुशनुमा दिखाई पड़े और यहाँ आने जाने वाले लोगों को लगे कि वो प्रकृति के करीब, प्रकृति की गोद में हैं। नीलम वर्मा खुद अपने खेतों की देखभाल करती हैं और वहाँ काम करने वाले लोगों से बातचीत कर सभी समस्याओं का समाधान करती हैं। शुरुआत में नीलम वर्मा ने पारंपरिक फसलें ही लगाई, लेकिन पढ़ी लिखी नीलम जानती थी जैविक खेती आज के समय की जरूरत है, और खेती है जो हमारी जमीन की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा सकती है। अपने खेत को हानिकारक रसायनों से बचाने के लिए नीलम वर्मा ने जैविक पद्धति से खेती करने का फैसला किया। उन्होंने फूलों के साथ साथ फलों की खेती भी शुरू की। वो जैविक खेती को बढ़ावा देने लगी। वो जानती थी जैविक खेती के कारण ही फूलों, फलों, सब्जियों और अन्य पदार्थों में मिठास बनी रह सकती है। नीलम वर्मा चाहती थी कि उनके वेलनेस फार्म पर आकर लोग प्रकृति से जुड़े, प्राकृतिक भोजन करें और स्वस्थ वातावरण का अनुभव ले सकें। नीलम वर्मा हानिकारक रसायनों से बचने के लिए जिस भी जैविक खादों का इस्तेमाल करती हैं, उन्हें खेतों पर ही बनाया जाता है। इन्होंने अपने फार्म पर गाय भैंसे भी पाल रखी हैं ताकि उन्हें खाद बनाने के लिए अपशिष्ट प्राप्त हो सके, साथ ही उच्च गुणवत्ता का दूध भी मिल सके। नीलम वर्मा खेती में किसानों के सामने आने वाली समस्याओं से भी वाकिफ हैं, इसीलिए उनका मानना है कि कृषि को व्यवसाय के नजरिए से देखना जरूरी है, जो अभी के समय की मांग भी है। यही कारण है कि नीलम वर्मा जैविक खेती को बढ़ावा दे रही हैं। अभी आपने देखा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के साथ। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से एक वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे, और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं, या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने
एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರ್ತವಾದಂಥ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡಿಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕೆ ಲಾಭಾರ್ಥಿ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಭಟ್ಟರ್ನೆ ಜೀರೆ ಕಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಲಗಾಕರ್ ಆಸ್ಪಾಸ್ ಕೆ ಗ್ರಾಮೀಣೋ ಕೋ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ್ತಾ ಪ್ರದಾನ್ ಕಿ ಹೈ। ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕೆ ಲಾಭಾರ್ಥಿ ಶ್ರೀ ಅನೂಪ್ ಕುಮಾರ್ ಮೊಹತಾನೆ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಬನಾಕರ್ ಅನ್ನ ಭಂಡಾರಣ ಕೋ ಸುನಿಶ್ಚಿತ್ ಕಿಯಾ ಹೈ। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। हमारी सरकार की प्राथमिकता है किसान। हमारी सरकार चाहती है कि हमारे किसान जो हैं वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। हमारी सरकार किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित कर रही है कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए और कई तरह की आर्थिक मदद भी किसानों को मुहैया कराती है। किसानों की आज के समय की हालत को देखते हुए हमारी सरकार किसानों के लिए कई तरह की ऐसी योजनाएं लेकर आती है जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक लाभ मिल सके और इसी के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। आइए इस योजना को विस्तार से समझें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को पीएम किसान के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के जरिए किसानों के खाते में सीधे नकद रकम पहुँचती है। इसके तहत केंद्र सरकार साल भर में हर किसान परिवार को 6,000 रुपए दे रही है। पैसे के लिए साल भर का इंतजार ना करना पड़े इसलिए रकम 2,000 की 3 किस्तों में दी जाती है, यानी हर 4 महीने में किसान परिवार के पास 2,000 रुपए पहुंच जाते हैं। इस राशि से वो उर्वरक, बीज, कीटनाशक या कोई और जरूरी सामान खरीद सकते हैं। योजना से करीब 12 करोड़ किसान परिवार जुड़ चुके हैं। परिवार की परिभाषा में पति, पत्नी और नाबालिग संतान आते हैं। पीएम किसान योजना की घोषणा 1 फरवरी 2019 को आम बजट के दौरान हुई थी और इसे 24 फरवरी को लॉन्च किया गया, लेकिन शुरुआत दिसंबर 2018 से ही मानी गई। इस तरह फरवरी 2019 में सम्मान निधि की पहली किस्त जारी की गई और अब तक इसकी 9 किस्तें आ चुकी हैं। इन 9 किस्तों में 1,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम किसानों के खाते में डाली जा चुकी है। 10वीं किस्त की तैयारी चल रही है। ये पूरी तरह से केंद्र सरकार की योजना है, यानी इसमें राज्यों को अपनी तरह से एक पाई भी खर्च नहीं करनी है। हाँ, किसान की पहचान करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर है। शुरुआत में इस योजना को सिर्फ छोटे और सीमांत किसानों के लिए चलाया गया था, लेकिन बाद में सभी किसानों को शामिल कर लिया गया। हमें जो प्रधानमंत्री किसान निधि योजना है उसमें 2000 आ रहा है, वो लाभकारी है, जो हमें बेनिफिट मिल रहा है। इस बार एक और बदलाव किया गया है और वो है कि अब किसानों को EKYC भी करानी होगी। योजना का लाभ उठाने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। इसके लिए पंचायत सचिव या पटवारी या स्थानीय कॉमन सर्विस सेंटर के अलावा नजदीकी डाकघर से भी संपर्क कर सकते हैं। आप चाहें तो घर बैठे ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है। बस आपको वेब पोर्टल www.pmkisan.gov.in पर जाना होगा। इसी पोर्टल पर EKYC की सुविधा भी उपलब्ध है। सम्मान निधि योजना का फॉर्म भरने के बाद लाभकारी किसानों के नामों की सूची पंचायत पर लगाई जाती है। इसके अलावा मोबाइल पर SMS भी भेजा जाता है। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे। अथर्ववेद में कहा गया है कि धरती हमारी माता है और हम उसके बच्चे हैं। जिस तरह धरती हमारा पालन पोषण करती है, ठीक उसी तरह हमें भी उसकी सेहत का ख्याल रखना चाहिए।
आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। तो आइए देखते हैं प्राकृतिक खेती पर हमारी ये खास रिपोर्ट। रसायनों की वजह से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है सो अलग, कृषि रसायनों के लिए दुनिया भर में चिंता जताई जा रही है और उपाय तलाशे जा रहे हैं। जैविक खेती इसी तलाश का नतीजा है, लेकिन समस्या ये है कि जैविक खेती भी पूरी तरह रसायन मुक्त नहीं है। अगर आपको एकदम शुद्ध फसलें उगानी हैं, तो प्राकृतिक खेती अपनानी होगी। प्राकृतिक खेती देसी गाय पर आधारित कृषि पद्धति है, जो मुख्य रूप से मिट्टी के स्वास्थ्य पर जोर देती है। मिट्टी जितनी स्वस्थ होगी, फसल भी उतनी ही बेहतर होगी। दरअसल मिट्टी में पौधों के विकास के लिए 16 तरह के पोषक तत्व होते हैं। देसी गाय के गोबर में सभी तत्व मौजूद हैं और कमाल की बात ये है कि अकेली गाय 30 एकड़ जमीन पर खेती के लिए काफी है। देसी गाय के गोबर और मूत्र की गंध केचुओं की संख्या बढ़ाने में भी मददगार है। हम सभी जानते हैं कि केचुए किसानों के मित्र माने जाते हैं। आपको बता दें कि प्राकृतिक खेती के लिए गहरी जुताई की जरूरत नहीं होती। इसमें सिंचाई पौधों से कुछ दूरी पर की जाती है, जिसमें सिर्फ 10% ही पानी लगता है। दूर से पानी देने के कारण जड़ों की लंबाई बढ़ती है, जिससे तनों की मोटाई और पौधों की लंबाई में भी इजाफा होता है। प्राकृतिक खेती में पौधों की दिशा उत्तर दक्षिण होती है। ऐसा करने से पौधों को सूरज की ऊर्जा और रोशनी ज्यादा समय तक मिल जाती है। इससे पौधे अपने शरीर का निर्माण कर लेते हैं, जिससे न सिर्फ कीट लगने की आशंका कम हो जाती है, बल्कि पौधों में पोषक तत्व भी संतुलित मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। प्राकृतिक खेती में मुख्य फसल के साथ सहयोगी फसलों को भी उगा सकते हैं। इसी तरह की खेती में देसी बीजों की काफी अहम भूमिका होती है। देसी बीज पोषक तत्व कम लेते हैं और पैदावार ज्यादा देते हैं। दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन का असर खेती पर भी पड़ रहा है। प्राकृतिक खेती से उपजी फसलें मौसम की विषमताओं को काफी हद तक सहन कर लेती हैं, जिससे किसान आर्थिक नुकसान से बच रहे हैं। खेती के लिए खाद और कीटनाशक की जरूरत होती है। प्राकृतिक खेती में ये दोनों चीजें प्राकृतिक तरीके से ही बनाई जाती हैं, वो भी घर पर मौजूद सामग्री से। इसमें दो तरह की खाद होती है, जीवामृत और घन जीवामृत। खाद दो तरह से बन सकती है, मिट्टी की भौतिक दशा को सुधार देगा। इस तरह कीटनाशक भी गोबर, गौमूत्र, पौधों के पत्ते, तंबाकू, लहसुन और लाल मिर्च से बनाए जाते हैं। प्राकृतिक खेती में पोषण और कीट नियंत्रण के लिए बाजार से कुछ भी अतिरिक्त सामान नहीं खरीदना होता, इसलिए इसे जीरो बजट फार्मिंग यानी शून्य बजट खेती भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में ये खेती लोकप्रिय हो रही है और खासतौर से कर्नाटक में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से खेती को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनकी सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना में ही भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के नाम से एक उप योजना तैयार की है। इसके अंतर्गत किसान को 3 साल के लिए प्रति हेक्टेयर 12,200 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। पद्मश्री सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के जनक हैं। वैसे बिना रसायनों वाली खेती भारत के लिए कोई नया विचार नहीं है। हमारे किसान हजारों साल से इसी तरह की खेती करते आ रहे हैं। वेदों और उपनिषदों में भी इस संबंध में श्लोक मिल जाते हैं। रसायनों का उपयोग हरित क्रांति के दौरान शुरू हुआ। अब चूंकि पूरी दुनिया इनके दुष्परिणामों को जान चुकी है, ऐसे में भारत प्राकृतिक खेती के रूप में दुनिया को नई राह दिखा रहा है। तो किसान भाइयों बहनों, हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan.ddk@gmail.com। हमारे इस कार्यक्रम को दोबारा देखने के लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर जाकर आप आसानी से हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।